यार मुझे जरूरत है आज। और एक काम बता दीजिए, इनसे कह रहा हूँ सुनो, अपने पास किसी और का नाम है ब्लू मिल गया तो दे देना, ब्लू और रेड ठीक है, दो ले आना। स्टार्ट किया जाए, रेस्ट करेंगे 5 मिनट सुबह सुबह रेस्ट, घर पे तो रेस्ट करके ही आए होंगे आप लोग। जा ही नहीं पाएंगे दूर, उसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा ना, ये तो प्रॉब्लम आएगी। एक दूर मुझे लग रहा बोर्ड तक जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा ये भी तो देखना है, बोर्ड तक तो चले जाएंगे लेकिन बार बार उसको लेकर के चलना पड़ेगा साथ में। अच्छा देखिए लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था, साइक्लोन, तो यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कर रहे थे हम लोग। साइक्लोन में वैभव शाह कहाँ तक कंप्लीट हो गया था पहले, आज एक बात जानने का इच्छुक हूँ मैं आप लोगों से। एक बात तो ये बताइए कि कल आपका टेस्ट है 25, उसको जानबूझकर पोस्टपोन किया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक फिक्स टाइम में कम्प्लीट भी करना है सिलेबस, वन थिंग। सेकेंड रीज़न इज़ डैट कि अभी आपका मेरे ख्याल से फिजिक्स बायो और क्या क्या बचा है, पूरी साइंस बची है, हाँ अभी बहुत सारा पोर्शन आपको, प्लस करंट अफेयर्स, हाँ सर बता रहे थे करंट अफेयर्स आपका बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है, तो जब इतना सारा बचा हुआ है तो ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए, बट जो प्रॉमिस किया है आपसे उसको निभाया जाएगा। तो मैं आपके 3 टेस्ट लूँगा अपकमिंग 5 to 6 days में, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर कंटिन्यू लगती है क्लास तब। उसके बाद 3 टेस्ट लूँगा आपके मैं, पहले टेस्ट होगा आपका हाफ सिलेबस का, दूसरा होगा फिर नेक्स्ट हाफ का, और थर्ड होगा फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। और इसमें अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम भी दे देंगे बीच में, दो तीन दिन का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने के इच्छा नहीं, ठीक है। तो अभी इसलिए हाँ एक दो दिन का मतलब इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कल का टेस्ट नहीं है, बता दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो भी हैं, और यही बात सही है। एक टेस्ट की बात हो गई, दूसरी बात आपसे जानने का इच्छुक ये हूँ मैं कि प्रॉपर नोट मेकिंग, नोट्स किसने बनाए हैं एक कॉपी में, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एक रफ कॉपी में सब कुछ चल रहा है। हाँ दिखाइए, मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा आगे नहीं आ पाऊँगा आज। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं लेकिन कोई बात नहीं, अनक्लॉज की भी गलत लिखी है, एब्रीवेशन, कोई बात नहीं, वो बेसिक मिस्टेक्स हैं,
उसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं ये जो देखना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाए हैं बंदी ने, एक नोट्स तो मुझे दिख गए तरीके से जो नोट्स बनते हैं। अब इन नोट्स पर अगर आपने कमांड कर लिया तो ये आपको बहुत आगे तक काम आएंगे, जब तक नौकरी नहीं पक्की होती। नौकरी पक्की हो जाए उसके बाद इसमें भले ही आग लगा देना, अपने बच्चों को पढ़वाना, क्योंकि ये नहीं चेंज होगा बहुत जल्दी। ठीक है, एक रिवर का कोर्स जो आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा, वो कोर्स भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवर के कोर्स में चेंजेस आते हैं, या माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है, प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये सब आपके बेसिक यही चलेगा। बनाए तो हैं भाई, आपकी बात पक्की है। आपके कहाँ हैं? ये पुराना बहाना है, कॉपी नहीं लाया, पुराना बहाना। इधर बैठ जाओ, आगे बहुत जगह है। आपने चौधरी जी नोट्स बनाए हैं प्रॉपर? आपने आपने तो बीच में ज्वाइन किया था स्टार्टिंग का, बना रहे हैं ना? कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे। अच्छा, क्योंकि आपको तो नेक्स्ट वाला एनडीए देना, सीडीएस का देना है, दिसंबर वाला, ये वाला भी देना, उसमें अटेम्प्ट थोड़ी होते हैं, इसमें एज का ग्रुप होता है बस, है ना? तो ये भी दे रहे हो आप, और नेक्स्ट वाले से पहले बना लेना, मेरा ये कहना है। आपके आपने भी बाद में ज्वाइन किया लेकिन नोट्स, चलिए तो आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं सारा। प्लीज़ प्लीज़, गुड मॉर्निंग। अमित, ब्लू मार्कर और रेड दो अलग अलग मार्कर ले गया। चलिए, योर नाइस नेम आकांक्षा, कहाँ से हैं आप? आंध्रा? अच्छा, आगरा, सॉरी, आगरा में प्रॉपर कहाँ से? प्रॉपर आगरा से ही। रामबाग कहाँ पड़ेगा ये आगरा में? आप जगह ये बताइए, डिफेंस कॉलोनी कैंट में, आगरा कैंट, अच्छा बुआ जी के पास रहते हैं आप। श्रेया तिवारी कहाँ से हैं आप? गोपालगंज, समझ गया, गोपालगंज बिहार से भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है आज आपकी, एनडीए में लिया है, सीडीएस में लिया है आपने? सीडीएस में। आपने सीएपीएफ, सेम सिलेबस आएगा, यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को, ठीक है। अब इसमें तो बहुत कुछ आज सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट बैच में ही आपको सीडीएस की ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लास्ट कहाँ तक पढ़ चुके थे? साइक्लोन्स, साइक्लोन्स कंप्लीट करा दिए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए थे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, आपने मैम नहीं लिया था ना, नोट से समझ में आ रहा है, और ऑनलाइन के चक्कर में सोचा घर पे बैठ के ले लेंगे, लेकिन ऑनलाइन नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, आज भी चेहरा उतरा हुआ है आपका। चलिए तो ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया था? बताई भी तो थी प्रॉपर्टी, कैन ओनली अकर एट ओशन सरफेस, ये बताया था आपको। अब आज आपका है टेम्परेट साइक्लोन, तो दो तरीके के साइक्लोन्स हमको देखने हैं ना, कौन कौन सा? ट्रॉपिकल देख लिया था, अब टेम्परेट साइक्लोन। एक ने नाम बताया था श्रेया, और एक ने क्या बताया था कांशा, आप मीडियम और बताइए अपना, इंग्लिश हिंदी कोई नहीं, आपको नोट्स दोनों में बनवाए जाएंगे, टेक्निकल टर्म्स दोनों में ही डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। एक प्रॉपर कोई रफ कॉपी हो उस रफ में बना लीजिए, अभी तो दो महीने चल रहा है ये सिलेबस, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स। अरे ये ग्लोब ले गया क्या यहाँ से? चलिए कोई बात नहीं,
सर ग्लोब भी भिजवा देना, क्या ग्लोब भिजवा दीजिए, ग्लोब भी भिजवा देना ठीक। और मार्कर डिफरेंट कलर, मुझे यहाँ से अलग हटके जाना पड़ेगा, माइक वाला सिस्टम हो नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा देर तक। देखिए ये आपके सिर पे ग्रीन पटल लाइन जा रही है। यस सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा और मकर रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर के पास, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर कोई भी साइक्लोन नहीं बनता है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी सीडीएस में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा हुआ है, क्यों नहीं बनता आपसे भी सही सर, क्योंकि कोरियोलिस फोर्सेस एब्सेंट है, बिल्कुल जीरो है वहां पे। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, मैं 5 डिग्री की लाइन ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा ठीक है। इस बीच में कोई भी आपके साइक्लोन नहीं बनेगा कैसा भी ठीक है। अब साइक्लोन बनने के लिए साइक्लोन कोरियोलिस फोर्स तो यहाँ पर मैक्सिमम होती है पोल्स पर, तो क्या 90 डिग्री नॉर्थ पर या 90 डिग्री साउथ पर साइक्लोन बनेंगे? तब भी नहीं बनेंगे। अब क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ही कम, आइस है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए कल एक कंडीशन लिखवाई थी, क्या ओशन सरफेस गर्म होना चाहिए ठीक है। एक फैक्ट वाली बात है ये लिख लीजिए, कम से कम 27 डिग्री टेम्परेचर ओशन सरफेस का, समुद्र की सतह का पानी कम से कम 27 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, तभी जाकर के चक्रवात बनता है। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन क्या है? कोरियोलिस फोर्स वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि बीच में क्या होना चाहिए? लो प्रेशर सिस्टम, बताया था कल आपको yes, और उसके आसपास क्या होंगे? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। जैसा साइक्लोन्स के साथ होता है ऑपोजिट जस्ट उसके एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात के साथ होता है। ये सब बातें बता दी थी आपने सर। सर ये पूछ रहा था क्यों घूमता है सर एंटी साइक्लोन और वो एंटी क्लॉकवाइज? अर्थ की रोटेशन की वजह से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है ना, तो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है ठीक है। अब एक बात देखिए यहां पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये 5 डिग्री नॉर्थ वाला है 5 डिग्री साउथ वाला, इस बीच में तो नहीं जनरेट होगा कोई भी, लेकिन देखना इधर 5 डिग्री के बाद यहाँ पे लगभग 30 डिग्री तक इस बीच में जितनी भी ओशन सरफेस दिख रही है आपको, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हिस्सा हो, चाहे ये वाला हिस्सा हो, चाहे ये वाला हो, इन सब हिस्सों पर क्या होगा? साइक्लोन्स जनरेट हो, पहली बात। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया का कहाँ बनते हैं? बे ऑफ बंगाल। अगर अरेबियन सी में बनता है तो वो इंडिया के तट पर ना टकरा के कहाँ जाएगा? ओमान के तट पर। ऐसा क्यों होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा ईस्ट से वेस्ट चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा में हमेशा क्यों चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूर्व से पश्चिम क्यों चलेंगे? क्योंकि ट्रेड विंड की वजह से। ट्रेड विंड हमेशा कैसे मूव कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट। भाई ट्रेड विंड की डायरेक्शन ये थी, तो साइक्लोन अगर यहाँ बना तो इसको लेकर रह जाएगा, तो ईस्ट से वेस्ट ही तो जाएगा ठीक है। ये सब बात मैंने आपको कल बता दी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन, ये तो मैंने आपको रिवाइज कराया, ऐसा ही इस जोन में बने। टेम्परेट साइक्लोन के लिए कंडीशन ये कंपलसरी है कि वो टेम्परेट का मतलब शब्द में लिखा है शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। अरे प्लीज टेम्परेट साइक्लोन के लिए नाम ही शीत लिखा है, तो इसका मतलब ये कहाँ बनेंगे? मिड लैटिट्यूड्स पर, जो ठंडी सतह हो ठीक है, कोल्ड सरफेस पर। अरे भाई इधर जाओ, यहाँ पर बनेंगे। इनकी स्पेशलिटी में समझना है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। टेम्परेट साइक्लोन के लिए पहली प्रॉपर्टी, कैन फॉर्म एट बोथ सी या ओशन लिख लीजिए, ओशन एंड लैंड, कॉन्टिनेंट और लैंड पर, कॉन्टिनेंट लैंड या ओशन सरफेस कहीं पर भी बन सकते हैं।
क्या टेम्परेट साइक्लोन, ध्यान कहाँ है आपका? हाँ कहीं और ध्यान था, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसकी, इन टेम्परेट साइक्लोन को ही मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांशीय, हिंदी में बोलेंगे मध्य अक्षांशीय या कूल साइक्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठंडे क्यों बोला इनको? क्योंकि टेम्परेट जोन में, पहले ही बता दिया आपको, किस किस के बीच में मिलेगा आपको? 30 डिग्री से 60 डिग्री, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, ठीक है। तो ठंडे इलाके में है, नोट करते रहिए पॉइंट्स। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन से हम इसको कंपेयर कराएंगे। तीसरी बात, इसकी इंपॉर्टेंट तीसरी बात क्या है? विनाशकारी नहीं, नॉट डेंजरस इन नेचर। टेम्परेट साइक्लोन आपको कैसे मिलेंगे? डेंजरस। अंदर आ जाओ भाई साहब, और ये इंक मुझे मत दो, इसमें डाल दो। और ब्लू मार्कर लाए आप? दुकान नहीं खुली है, मुझे जरूरत है अलग अलग कलर के मार्कर की आज, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अमित सुन रहे हो मेरी बात? मुझे अलग कलर के मार्कर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है अभी, ठीक है। कुछ बनाना है डायग्राम, तो आप जल्दी ला दीजिएगा। नॉट डेंजरस कौन से? टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे थे? डेंजरस थे, बताया था आपको, हैवी रेनफॉल कराते हैं, जान माल की सबकी हानि होती है, ठीक है। डिजास्टर की तरह हम ट्रीट करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज डिजास्टर, क्लियर। लेकिन ये वाले जो होते हैं टेम्परेट, ये कैसे होते हैं? ये डिजास्टर नहीं होते, हल्की रेनफॉल कराएंगे बस। नहीं, एंटी साइक्लोन में तो रेनफॉल ही नहीं होगा, बिल्कुल मौसम साफ रहता है, ये रेनफॉल करवाते हैं। अब इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्या है यहाँ पर। इनको हम फ्रंटल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, ये फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है, फ्रंटल साइक्लोन्स। फ्रंटल साइक्लोन्स मतलब जो फ्रंट बनाते हैं, फ्रंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाताग्र। तो वाताग्री चक्रवात लिख लीजिए, दीज आर फ्रंटल साइक्लोन्स, इनको वाताग्री चक्रवात भी कहते हैं। नया शब्द है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, अभी कुछ भी नहीं समझाया है, लिखना है पहले, बस लिख लीजिए इसको, इस नए शब्द को समझ लें। ये अब आपके सिलेबस में एक नया वर्ड आया है कि फ्रंट क्या होते हैं। कर लिया? नहीं कर पाई थी, चलिए मैं उनके में देख लीजिए। सबके अपने अपने घर हैं, पीजी में, रूम में, कहीं तो रह रहे होंगे, उसका फ्रंट भी होगा। एक फ्रंट क्या बोलते हैं? आगे वाले हिस्से को, उसी को तो फ्रंट बोलते हैं। अब यहां देखिए आप, ये कौन सी बेल्ट थी? चावला जी बताएंगे, जीरो डिग्री बेल्ट कौन सी बेल्ट थी? हाई प्रेशर बेल्ट? हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर है, लो प्रेशर बेल्ट। ये कैसी बेल्ट थी? ये हाई प्रेशर सर। और ये? ये लो प्रेशर। ये कैसी थी? ये भी लो प्रेशर है। ये सब यानी हाई प्रेशर बेल्ट थी जी। हाई टू लो चलती है। अब यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ वाले से इस तरीके से हवाएं चल रही थी, जिनको आपने प्लेनेटरी विंड्स कहा था। प्लेनेटरी विंड्स में ट्रेड विंड थी,
इस जोन में तो बन गए आपके कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि आप कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म क्षेत्र में बनने वाले, केवल समुद्र की सतह पर बनेंगे केवल, ठीक है। अब इसमें देखिए 30 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सी है, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब होता क्या है, ये हाई प्रेशर बेल्ट थी, इस हाई प्रेशर बेल्ट से कौन सी विंड्स चलेंगी, पोलर ईस्टरलीज, बिल्कुल सही। इनका पूरा नाम क्या था, ध्रुवी पूर्वा पवने, पोलर ईस्टरलीज। और इस हाई प्रेशर बेल्ट से कौन सी विंड चलेगी, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज इस वाले जोन में, फेरल जोन में। अब एक बात यहां पर देखना ध्यान से, लिखना बाद में, कंसेप्ट की बात देखिए। इस वाले रीजन में, पहले रीजन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन में ये गर्म हवाएं सेंटर पर आ रही थी, ये तो गर्म जगह है, यहां से भी आ रही है, तो जितनी टेम्परेचर 30 डिग्री नॉर्थ विंड्स का होगा उतना ही टेम्परेचर 30 डिग्री साउथ विंड्स का होगा कि नहीं होगा, भाई सेम लैटिट्यूड पर है, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो क्या टेम्परेचर वेरिएशन हुआ फर्स्ट जोन में, नहीं हुआ। लेकिन सेकंड जोन में देखिए, जो विंड्स चल रही थी 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये वाली विंड्स इस वाली विंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा टेम्परेचर की होंगी कि कम, ज़्यादा होंगी भाई, ये गर्म जोन से जा रही हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से जा रही हैं, और वो कहाँ से आ रही हैं, बर्फ़ से आ रही हैं, 90 डिग्री नॉर्थ से आ रही हैं, तो ये कैसी हवाएं हो गई, गर्म, तो इनका टेम्परेचर कैसा हो गया, हाई। लेकिन जो ऊपर से आ रही हैं बर्फ़ से हवाएं, वो कैसी हैं, ठंडी। तो पोलर ईस्टर्लीज आर कोल्ड विंड्स, और ये कैसी है, हाई प्रेशर बेल्ट, ये हॉट विंड्स। तो दो अलग अलग एयर मासेस, दो एयर मासेस, एयर मास बोलते हैं बहुत ज्यादा एक बल्क में विंड्स को, ठीक है। टू डिफरेंट एयर मासेस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, एक का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो दूसरे का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। एक मिड लैटिट्यूड से आ रही है, एक हायर लैटिट्यूड से आ रही है, आ रही है। यहां पर समुद्र मिलेंगे आपको, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, देखो जरा, नहीं इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में काम, यहां पे तो आई से ज्यादा, तो यहां पर इसमें ह्यूमिडिटी होगी, होगी, इसमें ह्यूमिडिटी होगी, नहीं होगी, ये ड्राई रीजन में आए, बर्फ से आ रही है। तो दो वायु राशियां, टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज जब एक साथ मिलती हैं तब बनता है फ्रंट, उसको बोलते हैं फ्रंट। अब मैं यहां देखिए आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये कौन सी हो गई, वार्म एयर मास, और ऊपर से कौन सी आ रही है, पोलर स्टर्लीज, ये कैसी है, कोल्ड एयर मास। देखना यहां पर विवेक, वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, जैसे ही इस जगह पर मिली इसी को बोलते हैं फ्रंट, वाताग्र। टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की दो वायु राशियां जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। अब एक बात देखिए, इन दोनों फ्रंट्स में इसके सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, वार्म फ्रंट, ये वार्म फ्रंट हो गया, और कोल्ड वाले के सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कोल्ड फ्रंट। तो दो तरह के फ्रंट होते हैं, कौन से, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र, हिंदी में बोलेंगे उष्ण वाताग्र यानी गर्म, और शीत वाताग्र यानी ठंडा वाताग्र, कोल्ड फ्रंट, ठीक है। इन दोनों में से जो ज्यादा प्रभावी होता है उसकी वहां पर
प्रेजेंस की वजह से एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अब देखिए, ये जो मैंने आपको छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसको समझ लीजिए, अभी आपको मिटाऊंगा नहीं, अब चांस दूंगा पूरा बनाने का। ये जो छोटा सा डायग्राम बनाया है ना, केवल वार्म फ्रंट का, ये आगे वाला हिस्सा, ये करीब 400-500 किलोमीटर लंबा होता है। अब यहाँ पर डायग्राम में छोटा सा बनाया है, और 400-500 किलोमीटर में आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से आप कितना आगे तक पहुँच जाएंगे। 250 किलोमीटर जयपुर है, 150 किलोमीटर आगरा है, 200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूरे हिस्से में ध्यान से देखना, एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन आया था उसमें CDS में, वार्म फ्रंट जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर धीमे धीमे बारिश होगी, क्योंकि गर्म हवाओं में ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कल पढ़ा चुका हूँ ये सारी बातें, अब रिलेट हो रही है। तो जितने हिस्से में वार्म फ्रंट आ रहा है उस जगह पर बारिश कैसी होगी, स्लो रेनफॉल बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए धीरे धीरे बारिश होगी। जितनी जगह पर कोल्ड फ्रंट आ रहा है उतनी जगह पर हैवी रेनफॉल होगी, बहुत तेजी से बारिश होगी लेकिन बहुत कम समय के लिए। कैसी होगी, हैवी रेनफॉल पर फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम। तो कोल्ड फ्रंट की बात समझ में आई आपको, कोल्ड फ्रंट में रेनफॉल कैसी होगी, एकदम से तेजी से बारिश होगी, आधे घंटे के लिए बारिश हुई निपट गया मामला, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की कैपेसिटी कम थी उसमें। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी कल मैंने आपको पढ़ाई थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, आप भी थे क्लास में। तो ठंडे वाले जितने भी कोल्ड फ्रंट्स होंगे उसमें वैसे ही मॉइस्चर कम है, कहाँ से आ रही हैं वो, बर्फ़ वाले क्षेत्र से आ रही हैं, तो वहाँ पर कैसी बारिश कराएंगे, आधे घंटे के लिए बारिश होगी लेकिन बहुत तेज होगी। और ये वार्म फ्रंट लंबे समय तक बारिश कराएगा और धीमे धीमे कराएगा। तो वेजिटेशन मुझे बताइए, खेती के लिए कौन सा बढ़िया है, ये वाला या वो वाला, वार्म फ्रंट है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होगी, यहाँ पर लोग रहेंगे, एग्रीकल्चर होगी तो लोग रहेंगे, यानी अर्बनाइजेशन होगा। कोल्ड फ्रंट वाली जगह पे कुछ फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, बाकी के लोगों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है, कम जगह होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है जो भी बारिश होती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, किसकी, मैंने ये लास्ट क्लास में पढ़ाया है। आप एक काम करिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप पहले नोट्स में से उतार लेना, ठीक है, उतार लिया तो फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी एयर में कितनी H2O प्रेजेंट है, यानी वाटर वेपर्स, जल वाष्प की कितनी मात्रा है उस एयर में, और उस टेम्परेचर पर जिस पर ये एयर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी मैक्सिमम होल्ड कर सकती है, कैपेसिटी कितनी होती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखिए, टेम्परेचर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो ये इन्वर्स रिलेशन होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा। अब ये ऐसे नहीं समझ में आया, कल तो पूरा लेक्चर लिया था, ठीक है, आप इसको जो आपने ये उतारा है इसको उतार लीजिए, मैं आपको अलग से बता दूंगा फिर से, ठीक है। आपने क्या पूछा मैम, निशा क्या पूछा था, लेंथ बहुत होती है, 500-500 किलोमीटर तक के लंबे होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। अभी इसके बारे में और भी बताना है मुझे, पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। आपको तो मैडम आकांक्षा और श्रेया नाम बता ना, क्या बीच में समझ में आएगा ये सब, पहले साइंस की बातें सब इसमें पढ़ा चुका हूँ मैं, 1.5 महीने से सिलेबस चल रहा, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नहीं, वो 2 बजे से होगा। अब एक काम करना, उसकी कोई पेंशन वाली बात नहीं है, ये फिलहाल पुराना बैच चल रहा है, जो 2 बजे से बैच होगा उसमें नई क्लासेस चल रही होंगी, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट चल रहा होगा, मेरा ये कंप्लीट होने वाला है इस वाले बैच में सिलेबस, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं नए बैच में जाऊँगा। क्या कह रही हैं आप,
हाँ ये बात भी सही है, आपका ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। डेमो क्लास लेनी चाहिए बिल्कुल लास्ट टाइम पर, जिससे पता लग जाए मास्टर का भाग रहा है कि खाना पूर्ति कर रहा है। पहले डेमो में सब, जब अगर स्टार्टिंग में नया बैच होता है ना, तो शुरू के 4-5 दिन खूब बढ़िया से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। और देखिए डेमो में मुझे नहीं लगता कि व्हाट इज़ डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन की एक शॉर्ट फॉर्म हो गई। मैं आपसे, क्योंकि आपको तो क्या आएगा, मैं आपसे एक अलग से बात कर रहा हूँ। बताइए अपने ओपिनियंस श्रेया एंड आकांक्षा, व्हाट इज़ डेमो अकॉर्डिंग टू यू, जो समझ में आए वो बताओ। क्या कहेंगे किसी को डेमो? अगर आप इसको माइंड मत कीजिएगा, आप लोग इतने बड़े हो गए, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। लड़का देखने जाते हैं घर वाले, डेट इज़ डेमो, या हम लड़की देखने जाके जाते हैं, डेट इज़ डेमो। 15 मिनट में, आधे घंटे में किसी को क्या जांच लोगे आप? कैन यू एवेल्यूएट समवन पर्सनैलिटी विद इन हाफ एन आवर? वो तो शादी करने के बाद पता लगता है कि कैसा बीज बोया था, ऐसा फूल निकला। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, डेमो इज नथिंग, दिस इज वर्सनेस। डेमो में आप बस ये देख सकते हैं कि मुझे टीचर की स्पीच समझ में आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रोनंसिएशन को लेकर के प्रॉब्लम होती है। जैसे आप आगरा साइड की हैं, है ना? अगर मैं बिहार के साइड का होता, मैं भी आगरा से ही हूँ, अब मैं अगर बिहार से होता तो मैं पढ़ाएं समझे है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बिहार साइड्स की मैं बोली बोलता, इनको मैम को समझ में आ जाएगी बात, आ रही है ना? ऐसे समझे है ना, ठीक है। अब अगर मैं हरियाणा से होता, थारी की समझ में आ रहा, जो कुछ ना समझ में आएगा इसमें, ये सब प्रोनंसिएशन को लेकर के होता है। बच्चा जाके देखता है, आधे घंटे में आप क्या जज कर लोगे किसी को यार? यही बात मैंने निशा को फर्स्ट डे बोली थी, और मुझे आज भी याद है, निशा ने सर से कहा था, सर प्लीज़ हमें UPSC स्टैंडर्ड का, मैंने कहा बेटा आप भरोसा ही कर सकते मुझ पर। आपने कहा था राहुल सर से कि सर हमें प्लीज़ UPSC का ही पढ़वाना, SSC का नहीं। नहीं नहीं, मुझे बताया, आपने मुझसे नहीं कहा था, योर क्वेश्चन वॉज जेन्युइन, आई नो वेरी वेल। लेकिन मुझे याद है निशाने और विवेक ने, दो लड़कों, दो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पे डाउट करके नहीं कह रही थी, बट फर्स्ट क्लास में मैंने निशा को यही बोला था और विवेक, इन दो लोगों ने ये कहा था कि सर हमको UPSC में, ना आप थोड़ा सा भरोसा ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो मुझ पर। अब यह चलाते हैं दिस, देखिए आपको अच्छा डेमो अगर चाहिए, सबसे बेस्ट डेमो अगर चाहिए, अब मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। लड़का देखने जाओ कभी ना, तो नहीं नहीं शादी नहीं, देखो आपकी बात सही है, मैंने कहा ना आप उसी बात पे ले गई, भावना ही नहीं समझी आपने, शब्द समझ लिए, रिलेट कर रहे हैं हम तो भाई। हमारा तरफ देखो तरीका यही है पढ़ने का, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में अगर आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो यू कैन आस्क द एक्सपीरियंस वंस, अपने पापा से, अपने भाई से, बड़े भाई जो उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं, वही तो एक्सपीरियंस बताएंगे, भाई देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है शादी के बाद, इतने काम होते हैं। अब मैं शादी का अगर एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये होता है, घर की जिम्मेदारी होती है, दाल चीनी आटा सब देखना पड़ता है, समझ रहे हो? शादी का मतलब गुड्डे गुड़िया खेल नहीं, आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑल्सो शी हैज़ टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं कि बिल्कुल 9-10 बजे तक सो रही हैं आराम से चद्दर तान करके, आपके मतलब आपको देखना भी है, फैमिली भी होगी आपकी, तो ये कौन बताएगा एक्सपीरियंस? लेकिन पहले तो नहीं पता। अब मैंने वो जो एग्जांपल दिया है उसी एग्जांपल से आप इसको स्टडीज़ को लो। बेस्ट एग्जाम आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे आपके जो पार्टनर्स होते हैं, वही बता सर अच्छा, स्टूडेंट ही बताएगा कि हाँ यार इसने मुझे 2 महीने से बेवकूफ़ बनाया, या खाना पूर्ति कर रहा है केवल, या ठीक ठाक पढ़ाता है, या अच्छा पढ़ाया, तो वही बेस्ट एग्जाम्पल उसने, मेरी समझ तो ये कहती है, क्योंकि मैं एक लंबे टाइम से हूँ इस फील्ड में। अब बाकी अगर डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आधे घंटे में हम टीचर को जान लेंगे, तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ भूल है। आप क्या जानोगे वो आपसे कितना एज में है और कितने साल से इस फील्ड में है, आप अभी आए दिल्ली, वो कितने साल से दिल्ली में इसी काम को लेकर के जद्दोजहद कर रहा है, तो आधे घंटे में किसी को कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए, मैं आता हूँ फिर से टॉपिक प्लॉट के,
अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा नेचर हमारा, किसी भी तरीके का आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बताएंगे, बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ पर आइए, अब टॉपिक पर आता हूँ फिर से मैं। फ्रंट वाली जो बात लेके आया मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से आपके। तो फ्रंट केवल कहाँ बन सकता है, जहाँ से एक गर्म हवा आ रही हो और एक तरफ से ठंडी हवा आ रही हो, वहीं बन सकता है। तो यहाँ क्या इस जोन पर बन सकता है, दोनों तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ कभी फ्रंट नहीं बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बात समझ में आई, कोई डाउट? अब फ्रंट या तो इस जोन में बनेगा या फिर इस वाले जोन में बनेगा, सॉरी, ठीक, इन दो ही जोन पर पूरी अर्थ पे बन सकता है। अब आप ग्लोब दिखाऊंगा अभी आपको मैं, तो इस जोन पर तो आपको मिलेगा सदर्न ओशन, केवल आपको ओशन ओशन मिलेगा। आर्यन इधर ध्यान दो भाई, मास्क उतारो पहले, तुम तो मास्क की आड़ में बहुत मजाक करते हो, हैं बातचीत करते रहते हो। तो सदर्न ओशन, यहाँ पर ओशन है, ओशन की इकोसिस्टम होगा तो उसमें तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं, लेकिन यहाँ पर लैंड सरफेस है, यहाँ लोग रहते हैं, हमको ये समझना है। इसी फ्रंट वाले जोन में आपको पड़ेगा, मिलेगा ब्रिटेन, इंग्लैंड जो देश है, या यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे आप कह देते हैं, अलग अलग बातें हैं तीनों, ये फ्रंट वाले में मिलेगा। इसीलिए इंग्लैंड में फ्रंटल रेनफॉल होती है। ये क्वेश्चन CDS में पूछा है UPSC ने, कि विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स एट ब्रिटेन। तो देखो ब्रिटेन मिलेगा मिड लैटिट्यूड्स पर, 60 डिग्री ये मिड लैटिट्यूड ही तो हुआ, 45 से 60 के बीच में। यहाँ पर कैसी रेनफॉल होगी, फ्रंटल रेनफॉल, वाताग्री वर्षा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मिलेगी आपको वाताग्री वर्षा, जबकि ट्रॉपिकल जोन वाले में कैसी वर्षा होगी, साइक्लोन के थ्रू या कन्वेक्शनल, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, कन्वेक्शन तो वही होगा ना, जहाँ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ये बताई थी आपको बात, टेम्परेचर ज़्यादा तो एवेपोरेशन ज़्यादा, एवेपोरेशन होगा तो रोज बादल बनेंगे, दोपहर के 2 बजे के बाद बारिश होगी, उसको क्या बोलते हैं, टू ओ'क्लॉक रेनफॉल। ये सब आपको इस रीजन में मिलेगी, टू ओ'क्लॉक रेनफॉल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी बनाई, वेस्टर्ली, कौन सी वाली, वार्म, वार्म, ये गर्म वाला हो गया, और यहाँ से कैसे आ रही, पोलर, पोलर। तो फ्रंट कहाँ बनेगा, इसी जगह तो बनेगा, तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बारिश होती है इसी की वजह से, किसकी वजह से, फ्रंट की वजह से, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो रेनफॉल होती है उसका नाम क्या है, फ्रंटल रेन, फ्रंटल रेन, आए दिन बारिश होती रहती। अब एक बात और यहाँ पर समझना, तब आपका एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सर आपने इधर क्यों नहीं बताया, कैनेडा में बता सकते थे, रशिया में भी फ्रंट बन रहा होगा, यहाँ पर भी बन रहा होगा, तो जानकर भी बताया, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या होगा, देखिए। क्योंकि ये जो फ्रंट है, कशिश इधर, फ्रंट जो है वो किसके इफेक्ट में है, वेस्टर्ली के इफेक्ट में है, दीज फ्रंट्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली, पछुआ पवनों के प्रभाव में है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसके प्रभाव में थे, ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड चलती है हमेशा ईस्ट से वेस्ट, इसीलिए हमारे किस कोस्ट पर टकराते थे, वेस्टर्न कोस्ट पर। अगर बंगाल की खाड़ी में कोई बना है आपके साइक्लोन, तो वो इधर टकराएगा, अरेबियन सी में बना है तो इंडिया में आएगा नहीं, मुंबई की तरफ, क्योंकि वो किसके इन्फ्लुएंस में, ट्रेड विंड। जबकि फ्रंट वाले जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो किसके इफेक्ट में होते हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व चलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, तो हमेशा किस वाले कोस्ट पर टकराएंगे, यहाँ से बारिश कराते हुए जाएंगे, यहाँ पहुंचते पहुंचते उनके अंदर ह्यूमिडिटी खत्म हो गई, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ होगी, यहाँ से होगी, तो इस वाले अलास्का वाले रीजन में होती है, इधर नहीं होगी, समझ आ रही बात, क्योंकि ये वेस्टर्नली के इफेक्ट में, ओके। ब्रिटेन इसका एक आइडियल आंसर है, आइडियल नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए चावला जी जो एग्जांपल दे रहे हैं, ये मैं बोलता लेकिन मैं बोलने से बचा जान करके।
अब बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया वीरेंद्र सहवाग को जानते हैं आप जी ऑन कैमरा नहीं वीरेंद्र सहवाग ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी अपने इंटरव्यू में क्योंकि टीम इंडिया इंग्लैंड बहुत जाती है टूर पे खेलने और आए दिन क्या हो जाती थी वहाँ पे बारिश तो जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है उसे फ़ायदा होता था क्योंकि उसे डकवर्थ लुईस मेथड से पता लग जाता था कितने रन रेट से रन मारने हैं ओवरकम हो जाते थे तो सहवाग ने कहा है कि इंग्लैंड की लड़की और इंग्लैंड का मौसम कब बरस जाए कुछ नहीं पता आए दिन बारिश होती रहती है रोज़ बारिश होती है वहाँ पर कभी भी बादल आ जाते तुम तो फ्रंटल रेनफॉल होते हैं कैसे होंगे स्लो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक बारिश होती रहती है ठीक है ये सहवाग के इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट थी तो सहवाग ने ये कहा था मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड में इतनी बारिश क्यों होती है लेकिन मुझे इतना पता है इंग्लैंड में कभी खेलने जा रहे हो तो पहले बैटिंग कर लो समझ रहे हैं आप तो आपको डीएल मेथड से पता लग जाएगा अब सहवाग के सामने बैठा कौन था कपिल शर्मा बैठा था वो कपिल शर्मा के शो में थे तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोई ज्योग्राफर होता तो वो उनको समझाता भाई साहब ये वेस्टर्नली के इफेक्ट में है वहाँ पे रेनफॉल फ्रंटल रेनफॉल होती है आए दिन बारिश होगी सहवाग को इन सब चीज़ों से क्या मतलब ठीक है मैं इस एग्जाम्पल को देने से बच रहा था लेकिन चावला जी ने बताया तो मैंने बोल दिया वो बिल्कुल मैं आपके दिमाग में क्या मेरे भी दिमाग में यही आता है एग्जाम्पल में ऐसे याद रहे ये चीज़ें एसोसिएट लर्निंग कहलाती हैं जैसे आपने आर्टिकल 19 में बहुत प्रॉब्लम होती होगी 19(1)A, 19(1)B या होती है संघ बनाने की स्वतंत्रता यूनियन यू कैन फॉर्म योर यूनियन कहीं पर शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है पूरे भारत में कहीं घूमना है कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकने की आपको आज़ादी है ये पढ़ा है आर्टिकल 19 इसको लर्निंग में प्रॉब्लम आती होगी आपको आती है नहीं आती है या याद कर लिया बिल्कुल अच्छे से आती है ना एक एसोसिएट लर्निंग बनाइए इसमें कि भारत में आपको स्वतंत्रता है बोलने की तो ये हो गया सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है कुछ भी बोलो समझ में आ गई बात जैसे मैम ने कहा सर आपने एग्जांपल क्यों दिया शादी वाला अब मैंने बोला मैंने भी शादी का एग्जांपल दिया तो ये क्या हो गया बोलने की स्वतंत्रता 19(1)A अब बोलोगे तो अकेले तो बोलोगे नहीं चार लोगों के बीच में बोलोगे तो संघ बना लो भाई बहुत सारे लोगों बना लो तो बोलने के बाद संघ यानी 1B संघ बनाओगे उसके बाद क्या करोगे शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो आप फिर पूरे इंडिया में घूमने की अब अकेले सारे संघों को लेकर क्या करा आपने घूमने चले गए पूरे इंडिया में कहीं घूम सकते हो अब घूमने के बाद क्या करो घूमने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए तो ऑक्यूपेशन इसी तरीके से घूमते कहीं बस जाएगा कहीं रुकने की भी घूमते घूमते थक जाएगा नहीं थक जाएगा आदमी तो जब घूमते घूमते थक जाएगा तो फिर उसे कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है एनी इंडियन कैन रेजिडेंट एनी वेयर इन इंडिया कहीं भी रुक सकता कहीं भी बस सकता है 19(1)D कहीं भी रुक सकता है कहीं भी रह सकता है लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पे जाके नहीं रह सकते ILP लेंगे वहाँ पे इनर परमिट लाइन आप कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन कोई डाउट है अच्छा बस तो ये समझ में आया आपको फ्रंट की वजह से बारिश होती कहाँ पर मिड लैटिट्यूड्स में या ब्रिटेन वाली साइड में हायर लैटिट्यूड्स में ठीक है वहाँ कैसे साइक्लोन्स बनेंगे ट्रॉपिक टेम्परेट और जबकि यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन में कैसे साइक्लोन्स बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ठीक है ये विनाशकारी होंगे डेंजरस होंगे केवल कहाँ पर बन सकते हैं ओशन सरफेस पे और ये वाले कहाँ बन सकते हैं क्योंकि फ्रंट देख रहा कहीं पर भी लैंड पर भी बन जाएंगे और ओशन पर भी लेकिन लैंड पर जो फॉर्म हो रहा है साइबेरिया वाली जगह देखो रशिया वाली तो वहाँ पर आपके क्या बारिश होगी नहीं होगी ह्यूमिडिटी मिलेगी नहीं उसे ठीक है चलो तो ये आपका साइक्लोन्स कंप्लीट हो गया अब एक नया लिखिए एक नई यूनिट डालना ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान और उसमें लिखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी मांग बहुत दिनों से कर रहे थे विवेक राज थोड़ा सा अब यहाँ से आपको समझ में आ गया क्योंकि नया चैप्टर है ये ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना बस यूक्रेन में स्टार्ट हो गई इमरजेंसी तो लगी हुई थी कोई हाँ ठीक हो गया चलिए देखिए नेक्स्ट हाँ
हाँ वो ओशन पे ज्यादा फॉर्म होते हैं, ओशन पे ही फॉर्म होते हैं। हाँ ट्रॉपिकल भाई देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डेवलप होने के लिए 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए कम से कम, और लो प्रेशर बनना चाहिए, और आसपास के रीजन में क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो ऐसा समुद्र पे ही तो पॉसिबल है, ह्यूमिडिटी भी तो होनी चाहिए, क्या लैंड पर ह्यूमिडिटी है? नहीं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केवल कहाँ पर जनरेट होंगे? ओशंस पर, जिसमें लो प्रेशर सेंटर में बन सकता है, और किनारे के पास पास क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ओशन करंट, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं नहीं मन पता है मुझे, खूब मस्ती हो रही है। ओशन करंट थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। ओशन करंट्स क्या होती हैं? या इसे महासागरीय जलधारा भी बोलते हैं, ठीक है। पहले तीन शब्द हैं, उन शब्दों को क्लियर कर लो, इसका बेसिक्स। एक वर्ड है करंट, एक वर्ड होता है ड्रिफ्ट, एक वर्ड होता है स्ट्रीम। तीन वर्ड होते हैं, करंट, ड्रिफ्ट और स्ट्रीम। हिंदी में पेपर में यही लिख के आएगा स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, शब्द यही लिख के आएगा, बस हिंदी में लिख के आएगा। इसे जलधारा बोलते हैं, ठीक। तीन शब्द हैं, कभी सुने हैं ये आपने, वाटर, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होगा? पानी मनी होता है ये, तो ठीक है भाई। इन तीनों में डिफरेंस केवल स्पीड का है, केवल डिफरेंस स्पीड का है। सबसे कम स्पीड उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्ट्रीम की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तीन शब्द मैंने बेसिक समझाया, भी पढ़ाया नहीं चैप्टर। अगर हम इनका वेग देखें तो वेग सबसे कम किसका होगा? जलधारा का। उससे ज़्यादा स्ट्रीम। तो इस केवल वेग का अंतर है, तीनों के तीनों पानी पर चलते हैं। अब ये है क्या महासागरीय जलधारा? महासागरीय जल धारा, ओशन करंट किसे कहते हैं? ओशन करंट, ये जो चैप्टर हम पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब होता है, जैसे आपने प्लेनेटरी विंड्स का मूवमेंट देखा था एटमॉस्फेयर में, विंड्स मूव करती हैं, उसी तरीके से ओशन की सरफेस पर पानी भी मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, समुद्री या महासागरीय जलधारा। तो क्या कहेंगे इसे? महासागरीय जल का क्षैतिज परिसंचरण, मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ, लिखना है, मैं बोल रहा हूँ आपको, डिक्टेट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड ओशन करेंट्स। महासागरीय जल का क्षैतिज परिसंचरण क्या कहलाता है? महासागरीय जलधारा, ठीक है। अभी बेसिक ही बता रहा हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ाया अभी, जब आएगा थोड़ा सा तब थोड़ा टिपिकल होगा मामला। अब देखिए कुछ वर्ड्स और समझ लीजिए क्या है, बार बार यूज होंगे वर्ड। एक वर्ड होता है अपवेलिंग, ये सब बेसिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं। अपवेलिंग, उत्स्रवण, हिंदी में मत कोशिश करना याद करने की, बहुत टिपिकल है, इंग्लिश में ही करना कोशिश कर लेना, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ।
उत्स्रवण, एक होता है डाउनवेलिंग, निम्न स्रवण, एक वर्ड है करंट, करंट तो बता ही दिया मैंने आपको, जलधारा, और एक वर्ड है क्रीपिंग, हिंदी बोलते हैं सरपण। इन चारों शब्दों को अभी मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। निम्न स्रवण, निम्न ठीक है, टिपिकल है, कोशिश करना श्रेया इसे इंग्लिश में याद करनी है, इंग्लिश में आसान रहेगा, हिंदी में बहुत टिपिकल हो जाएगा, ये शुद्ध हिंदी है इसकी। अभी चारों शब्द हैं क्या, बहुत आसान है, इसको समझते हैं हम पहले। जैसे मान लीजिए कोई, ये मैंने कोई जार नहीं बनाया आपको समझाने के लिए, एक ओशन बना दिया, ठीक है, ओशन है, उस ओशन में पानी होगा पूरे में भरा हुआ, समुद्री, अटलांटिक ओशन हमने इसका नाम रख लिया, एग्जांपल में ले लिया। अब क्या है, दिखला नहीं कोई भी, हमें समझना पहले, वाटर का मूवमेंट सबसे ऊपर वायु, इस पे ओशन पर, ओशन में महासागर की ऊपरी सतह का पानी का मूवमेंट क्या कहलाता है, जलधारा, जिसे हम करंट कहते हैं। महासागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह, ये चल रहा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चल रहा है, ये क्या कहलाएगा, करंट। कहीं पर पानी ज़्यादा हो गया तो पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, वो क्या कहलाएगा, डाउन वेलिंग, निम्न स्रवण। उसके बाद ये पानी ओशन के बेड पर, महासागर के हम बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं, बेड पर, बिल्कुल सबसे नहीं, नितल पर, हिंदी में कहेंगे नितल, ठीक है, ये पानी कैसे मूव करेगा, फिर से हॉरिजॉन्टल। तो जब ओशन के बेड पर मूव करता है, इसे बोलते हैं क्रीपिंग, सरपण। अभी वो कंडीशन तो कुछ बताई नहीं है मैंने आपको, अभी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन, मैं केवल ये वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो लिखे हैं, कंडीशंस तो बताऊंगा ना अभी, आप कहाँ आगे चले जाते हैं। करंट्स किसे के बोलते हैं, ओशन के वाटर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कहाँ पे, सरफेस पर। अगर ओशन का पानी बिल्कुल डाउन बेड पर अगर मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली तो क्या कहलाएगा, क्रीपिंग। ओशन का पानी अगर नीचे की ओर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डाउन वेलिंग। ऐसे ही ऊपर आएगा पानी तो क्या कहलाएगा, अपवेलिंग। ये चार वर्ड्स एक्सप्लेन करें हैं। अब देखिए पानी इस तरीके से मूव करेगा, इस पूरे मूवमेंट को ही बोलते हैं ओशनिक करेंट्स, महासागरीय जलधाराओं का परिसंचरण। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, महासागरीय जलधाराओं का परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, ओशनिक करंट या ओशनिक वाटर, ठीक है। ये चार शब्द समझ में आए, अभी कोई मैंने कंडीशन नहीं बताई कि ऐसा क्यों होता है, उस पर नहीं आए, केवल ये चार वर्ड समझ लो, क्योंकि बार बार यूज़ करूँगा मैं कि यहाँ पर अपवेलिंग हो रही है, यहाँ डाउनवेलिंग हो रही है, ठीक है। तो कम से कम पहले समझ में तो आना चाहिए सर क्या मतलब है, क्रीपिंग हो रही है। तो ये चार वर्ड्स को बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूँ, करंट क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, स्ट्रीम क्या है, ये कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार इस चैप्टर में यूज़ होंगी, ठीक है, बेसिक्स बिल्कुल नोट कर लिया। डायग्राम जरूर बना लेना जिससे आपको याद रहेगा। हो गया ड्रॉ, अब ये वाला जो चैप्टर है, अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ, जब इसे मैं वर्ल्ड टूर कराऊंगा आपको, वर्ल्ड पे जब हम चलेंगे तब थोड़ा सा टिपिकल बढ़ेगा आपको, पक्का क्या, अभी तो देखो आप, तब आपको वर्ल्ड टूर के नाम पर आप ही कहोगे अब रहने दो सर,
कहाँ आपको ये समझ लगा एंटलीज की जलधारा पहुँच गई, केप ऑफ हेट्रस कहाँ है, फ्लोरिडा कहाँ है, न्यूफाउंडलैंड पर पहुँच गए हम, न्यूफाउंडलैंड के बाद लैब्राडोर की जलधारा आएगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आएगी, हाँ बिल्कुल कोल्ड करंट। हाँ तो अभी ये बेसिक्स पे आ रहा है, अभी वो मैं बताऊँगा आपको, ये अब आपके एग्जाम में आएगा। इस पर अगर आपने कभी पुराने पेपर देखे हो तो ओशनिक करंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से अगर कोई आएगा क्वेश्चन तो इनसे आएगा। ठीक है, समझ आई इतनी बात आपको, नोट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, मुझे उधर जाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। कभी भी इक्वेटर से ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये हो गया 90 डिग्री साउथ, यानी ये पोल्स हो गए, ये कोल्ड डिवीजन है। आप तो बहुत मस्ती कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये कोल्ड डिवीजन हो गए, ये कैसा है हॉट जोन। एक सिंपल सा फंडा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक है, ट्रिक क्या है, वास्तविकता भी यही है। कभी भी जीरो डिग्री से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे तो हमेशा अगर कोई ऐसी करंट चल रही होगी तो वो कैसी होगी, हॉट करंट या वार्म करंट। लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जाने वाली करंट क्या कहलाती है, मतलब वार्म करंट, क्योंकि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में चल रही है। और कोई उल्टा चल रही हो, ठंडे से चल रही हो, तो वो कैसे कहलाएगी, कोल्ड करंट। ये बेसिक एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, वास्तविकता भी यही होती है, क्योंकि इस पानी का, इसके पानी के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कम होता है। मैं दो पोजिशन लेता हूँ, मान लीजिए नॉर्थ जोन में ले रहा हूँ, यहाँ पर है ग्रीनलैंड जगह, ग्रीनलैंड, यहाँ पर एक जगह मान लेते हैं हम न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पर एक मान लिया हमने फ्लोरिडा, और यहाँ पर बड़ा सी, ठीक है। अभी वर्ल्ड में आपको सब दिखेगी चीजें, मैप पर चले जाएंगे। तो अब मुझे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा लॉजिकल रीजनिंग करना बस। ब्राजील पर जो पानी होगा वो फ्लोरिडा के रिस्पेक्ट में ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा, स्टेटमेंट सही है, सही है, गर्म होगा, गर्म होगा, क्योंकि जीरो डिग्री ज्यादा पास है। फ्लोरिडा पर जब पानी होगा वो न्यूफाउंडलैंड के रिस्पेक्ट में ज्यादा गर्म होगा, नहीं होगा, होगा। तो बस ये बात आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से करंट अगर चल रही तो आपको समझ में आ रहा है ये वार्म करंट होगी, नीचे से गर्म पानी लेके आ रही है ठंडे क्षेत्र में, ठीक है। एक करंट आएगी ऊपर से नीचे, यानी पोल्स की तरफ से अगर कोई आ रही है तो वो कैसी होगी, कोल्ड करंट होगी। बेसिक्स है, इन्हें लिख लीजिए पहले आप, कोल्ड करंट और वार्म करंट। हाँ अभी तो केवल बेसिक्स ही बता रहा हूँ मैं आपको, टेम्परेचर कुछ बताया ही नहीं है इसमें, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। अगर आप गौर से देख पा रहे हो ग्लोब पर ही, ये रेड कलर के डैश देख रहे हैं ना, हम ये डैशेस दे रहे हैं, अब इन्हीं को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरे ग्लोब पर ये डैशेस क्या है, ये करंट, यही पानी का करंट, करंट से मतलब बिजली वाला करंट, बस समझना आप कंफ्यूज हो रहे हो, करंट मतलब पानी का मूवमेंट, बस जल धारा, जल की ऐसी धारा जो चल रही है, ठीक है, समझ में आई चावला जी। जी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनको समझ लीजिए, ये तो नोट करी भी आपने, सर अब कर रहा हूँ, पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक समझ में आया तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन करेंट्स की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, इतनी तेज चल सकती है। नॉर्मल आदमी की चाल कितनी होती है, 5-6-7 के आसपास, तो समझ लीजिए 15 पर लगभग जॉगिंग की, इतने मूवमेंट से चलता पानी। ये फ्रैक्चर बातें हैं, अभी आपके काम आएंगे इसमें, ठीक है। तो कोल्ड करंट दो टाइप की हो गई करंट्स, कौन कौन सी, कोल्ड और वार्म, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, दो तरीके की हो गई। अब वो लड़का मार्कर लेके आया नहीं, मैं रेड को दिखाता वार्म करंट और ब्लू से दिखाता मैं कोल्ड करंट, तो आपको जल्दी से अच्छे क्लियर होता। उसके बाद देखिए, ये तो एक फैक्चुअल बातें हो गई, अब आते हैं मैडम की बात पर।
कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सर जो इसको डिसाइड करते हैं, क्यों चल रहा है पानी? भाई पानी तो स्थिर रहना चाहिए था, ओशन में लगातार पानी क्यों मूव कर रहा है ना? अब यहाँ पर हम देखें अटलांटिक ओशन में, तो अटलांटिक ओशन में देखिए, ये अटलांटिक ओशन है आपका, यस सर, अटलांटिक का नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये कैसा है, साउथ अटलांटिक, तो पूरा अटलांटिक ओशन ऐसा है। एकमात्र ओशन ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश लेटर एस के आकार का है, जो एस जैसा बन रहा है, अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं तो ये एस जैसा बन रहा है, फैक्चुअल बातें हैं, ये पेपर में आपके मुझे नहीं लगता है ये एस एस सी वगैरह में आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन, जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन पर इस तरीके से करंट मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ये जो रेड लाइन उसमें बनती है थी ग्लोब पर, एक करंट ऐसे चली जाएगी नॉर्वेजियन की, एक ऊपर से लैब्राडोर की आ रही होगी, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो क्यों मूव कर रहा है मुझे उस फैक्टर्स पर आ रहा जो रहना क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ कि पानी यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ पर ये कौन सा देश है? नॉर्वे, बिल्कुल सर। इन सारे देश, यहाँ पर पांच देश हैं, उन पांच कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। इन पांच कंट्रीज को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, स्वीडन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, चलो पहले आप उसे लिख लो, ये तो नोट करके लिख लेना, उसका ही काम आएगा। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इन पांचों देशों को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात होती है, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा हाई रैंक पर ये देश आती है, स्वीडन और ये देश आते हैं। कभी आप अगर एसी बस में बैठे हो, बैठे तो हो गए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एसी बस जो स्कैनिया नाम की बस देखी है आपने, स्कैनिया बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की जो बस बनाती है, ट्रक बनाती है, वो स्कैंडिनेविया ही है, स्वीडन। अब यहाँ एक बात समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ पोल के करीब है तो बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है तो यहाँ के लोगों का वर्ल्ड ट्रेड कैसे होगा? बर्फ पे क्या समुद्र जहाज चल सकता है? पानी भर जाएगा, तो ट्रेड कैसे होता है? नीचे से ये गर्म जल धारा जा रही है और उस बर्फ को पिघला देगी, और लगातार 12 महीने यहाँ पर क्या है, ट्रेड चलता रहता है, तो कितनी बड़ी बात है। अब ये लोग यहाँ पे ठंड में रह रहे हैं, बर्फ जमी हुई है, नीचे से ये देखो जीरो डिग्री इक्वेटर से गर्म जल धारा जा रही है और यहाँ पर जा करके बारिश कर रहा है, गर्म पानी में ही तो होगी ह्यूमिडिटी, यहाँ पर बारिश हुई, ये सारे तो फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, कशिश का क्वेश्चन ये है कि सर आखिर मूव क्यों करती है, मूव के जरिए बताइए। अब यहाँ आते हैं यूपीएससी का भी क्वेश्चन, ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट, हम वो लिखने जा रहे हैं, लिखिए आप हेडिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट। महासागरीय जलधाराओं के, ये बोल रहा हूँ और भी अच्छे हिंदी वाले हैं, महासागरीय जलधाराओं के, महासागर ऐसे लिखते हैं, महासागरीय जलधाराओं के परिसंचरण के लिए उत्तरदायी कारक, महासागरीय जलधाराओं के परिसंचरण के लिए उत्तरदायी कारक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से पानी मूव करता होता है, ठीक है। तो देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं, हम यहाँ फैक्टर्स लिखने जा रहे हैं। पहला फैक्टर सबसे ज्यादा वो है टेम्परेचर, सबसे पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, ओके। एक दूसरा फैक्टर लिखिए टेम्परेचर के बाद, डेंसिटी। तीसरा लिखिए घन,
सेलिनिटी, लवणता, चौथा और इम्पोर्टेंट लिखिए इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेनेटरी विंड्स, हिंदी में लिखिए भूमंडलीय पवनों के प्रभाव से, मैं लिख ही दे रहा हूँ। पांचवा लिखिए अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन, अर्थ के रोटेशन की वजह से कौन सा फोर्स बनता है? कोरियोलिस फोर्स। वेरी गुड, तो कोरियोलिस फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पांच लिखवा दिए मैंने। एक और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए उसे भी। तट का स्वरूप, शेप ऑफ कोस्ट, तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इनको कि सर आखिर कैसे, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स मैंने पहले लिखवा दिए हैं, हिंदी में भी लिखा है मैंने साथ साथ, कहीं अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना। लिख लिया आपने, अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वाटर के मूवमेंट के एक लाइन पहले लिख लो मेरे कहने से, मिस हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे तो आ जाना चाहिए बीच में। अब आप ये देखेंगे जब आप ग्लोब पर देखेंगे या मैप में देखेंगे बार बार, जीरो डिग्री के ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सारी की सारी जलधाराएं क्लॉकवाइज मूव करेंगी, लिखनी है लाइन। उत्तरी गोलार्ध में, अभी आपकी दुविधा समझ रहा हूँ, चेहरे पर लकीरें समझ में आ रही हैं, बताएंगे। हाँ, लेकिन जलधाराएं क्लॉकवाइज चल रही हैं। लिखिए उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त ब्रैकेट में लिख लेना, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार घूमती हैं या परिसंचरण करती हैं। आप लोग लिखिए इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओशियनिक करंट moves in clockwise direction. Northern hemisphere oceanic current moves in clockwise direction. जबकि southern hemisphere में बिल्कुल उल्टा है, लिखिए in southern hemisphere oceanic current moves in anti-clockwise direction. दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ लिखा आपने, उत्तरी गोलार्ध लिखा है, अब मैं अगला बोल रहा हूँ ना, दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं वामावर्त दिशा में घूमती हैं, घड़ी की सुई के विपरीत वामावर्त दिशा में घूमती हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर ओशनिक करंट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं वामावर्त, वामावर्त लिख लेंगे आप, वामावर्त दिशा में घूमती हैं या परिसंचरण करती हैं। साइक्लोन, अरे यार साइक्लोन चलता 300-400 की स्पीड पे, अभी 10 से 15 लिखवाई मैंने तुम्हें, 5 से 15 क्या इफेक्ट है, ये पानी मूवमेंट कर रही है केवल बस, ठीक है, पानी का मूवमेंट है इसमें। 5 किलोमीटर की रफ्तार को आप 300-400 से कंपेयर नहीं करना, वो केवल ट्रेड विंड उससे इफेक्टेड आती है, ठीक है। चलो अभी आप फिलहाल उस चीज़ को मत लाना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे बहुत सारा, तो साइक्लोन्स वाला चैप्टर भी इससे रिलेट नहीं करना है, ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स वगैरह ध्यान रखना और मूछों पर ताव के साथ साथ जरा कॉपी भी ध्यान देना है। अब देखिए आप, ये तो मैंने इनका मोशन लिखवा दिया, पहला रीज़न है टेम्परेचर, सुनना मेरी बात, समझना और आपको आपका फैक्टर का आंसर मिल जाएगा। किसी रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ का एवेपोरेशन कम होगा ज़्यादा होगा,
एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंडेड चीज़ हमेशा कहाँ चलती है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलती ही नहीं चलती है, मूव करेगी नहीं करेगी। इसीलिए आपके कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, जीरो डिग्री से नॉर्थ डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ, ठीक है। तो टेम्परेचर इसके लिए सबसे पहला एक रीज़न है, गर्म पानी ही मूव कर सकता है, ठंडा पानी मूव नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। बर्फ़ आपने मूव करते हुए देखी बहुत तेज़ी से, लेकिन गर्म पानी मूव करेगा। दूसरा फैक्टर है इसका डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, भारी पानी होगा, भारी पानी होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो डाउन वेलिंग होगी, ठीक है। डेंसिटी कम हुई तो पानी कैसा होगा, हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर उठेगा। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ये ओशन सरफेस है, ठीक है। मान लिया इस जोन का एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, कम है। टेम्परेचर ज़्यादा है, पहले बताओ डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, यानी डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो बेसिक सी साइंस पता ही होगी आपको, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो आयतन के व्यतिक्रमानुपाती होती है क्या, घनत्व, बिल्कुल उल्टा इनका स्वभाव चलता है घनत्व में और आयतन में। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा ना, एक्सपेंड करेगी चीज़, भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा ना, एक्सपेंशन, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी एक्स वाले कोस्ट की डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। अब वाई वाले पर आते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है इसके रिस्पेक्ट में, भले ही यहाँ पर मान लो 24 डिग्री है और यहाँ पर मान लेते हैं 20 डिग्री है, तो कुछ तो इसके रिस्पेक्ट में कम है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके रिस्पेक्ट में, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न होगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है इस कोस्ट की, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जब ज़्यादा वॉल्यूम है तो जल स्तर कैसा होगा, वाटर लेवल, वाटर लेवल ज़्यादा होगा ना, एक्सपेंशन हो रहा है इधर, इवेपोरेशन हो रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो जल स्तर कैसा होगा, कम होगा। वाटर का लेवल वाई पॉइंट पर कम क्यों है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, लो वॉल्यूम एंड हाई डेंसिटी, भारी है तो नीचे बैठेगा पानी, बैठेगा, और वाटर हमेशा अपने लेवल को मेंटेन, इसीलिए पानी इस तरफ से इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। नहीं आई बात सुन भैया, हायर से लोअर पे ही चलेगा ना पानी, तो लोअर से हायर थोड़ी चलेगा फ्लो, वाटर या फ्लूड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो पानी का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा साहब इधर, कम रफ्तार पर ही होगा। ये देखिए मैं आपको बताऊँ, इमेजिनरी लग रहा, इमेजिन करना है अभी, अब आप ये मत सुनना सर ऐसे कैसे सर बताओ सिकुड़ जाएगा, नहीं सिकुड़ता होता तो पानी कैसे मूव करता, साइंटिस्टों ने रिसर्च करी होगी, मैंने रिसर्च नहीं करी, मैं वही बता रहा हूँ जो आप मैंने पढ़ी हुई बातें, ठीक है। देखिए टेम्परेचर इस वाले हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, मान ली यहाँ बहुत धूप निकलती है, या इसको और अच्छे से समझने के लिए ये जीरो डिग्री वाला हिस्सा मान लेते हैं, इक्वेटर वाला, और ये मान लेते हैं 45 डिग्री नॉर्थ वाला या साउथ वाला, तो 45 डिग्री मिड लैटिट्यूड पर इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब पानी का स्तर ऊपर उठेगा, पानी हल्का हो गया, इतनी बात समझ आई। अब वाई पॉइंट पे आइए, इन दोनों को कंपेयर करना है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कैसा है, कम है, टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी नीचे की ओर बैठेगा,
नीचे बैठेगा तो इसका जल स्तर भी, वाटर लेवल भी नीचे गिरेगा, इसका वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, तो हायर से लोअर की तरफ पानी चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री से 45 डिग्री तरफ देखिए आप, पानी चलना शुरू हो जाएगा। बेसिक आपको रीज़न समझ में आया? तो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, वाटर ओशनिक करंट के मूवमेंट में। आपको मैडम पहला क्लियर हुआ फैक्टर, कोई डाउट? इसे चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए इतनी तीन बातों को, ये आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, अगले फैक्टर पे आते हैं। देखो ये दोनों फैक्टर क्लियर होगा, सॉरी डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही बता दिए मैंने इसमें। ठीक है, इसके बाद सैलिनिटी पर चलते हैं, तो इसे ड्रॉ कर लीजिए। शुभम कुमार तो आ ही नहीं पा रहे हैं क्लास में, वो सर वो 2 बजे वाली में मेडिकल देखा था। अच्छा अच्छा, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा होगा, शटडाउन हो गया ना कंप्यूटर उसका, शटडाउन हो गया आफ्टर टेस्ट, सो ही मस्ट बी रीस्टार्टिंग आफ्टर रिफ्रेशिंग। ऐसा होता है देखो कई बार, देखो डीमोरलाइज हो जाता है जब इतना कम मार्क्स आए, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं है, वो सॉरी गलती उसी की है। अगर मिस्टेक देखी जाए तो गलती उसी की, उसी टेस्ट को आपने भी दिया, आपने भी दिया और विवेक ने भी दिया, आपने तो दिया ही नहीं, आपने घर पे दिया टेस्ट कॉपी खोल करके। चौधरी साहब आपने भी टेस्ट दिया था, चौधरी की तरह नंबर ज़्यादा है, पढ़ाया उसे भी वही था, सबने दिया था। 25 का डाले, जय माता दी। ये क्लियर हो गए आपको दो फैक्टर्स कौन कौन से, टेम्परेचर और डेंसिटी, तो इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब सैलिनिटी पर। सैलिनिटी क्या चीज होती है पहले इसको समझते हैं, या सैलिनिटी मैं बाद में करूंगा एक्सप्लेन, क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फोर्थ वाले फैक्टर पे आ रहे हैं, इसको अभी छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अभी बाद में समझाता हूं। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, ये आप जल्दी समझ जाएंगे। भूमंडलीय पवनों के प्रभाव के कारण समुद्र का जल एक तरफ से दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। भूमंडलीय पवन आपने पढ़ी है, प्लैनेटरी विंड्स कौन कौन सी होती हैं जिससे पूछेंगे बताएंगे। कशिश ट्रेड विंड्स, गुड, फिर पोलर ईस्टर्लीज, बिल्कुल सही। तो जब ट्रेड विंड चलती है तो उसके इफेक्ट की वजह से ऊपर समुद्र के पानी को क्या करेगी वो, मान लीजिए आप ये यहां पर ट्रेड विंड का इफेक्ट है, मान लेते हैं, है ना, ट्रेड विंड चल रही है, ट्रेड विंड इस तरीके से मूव कर रही है, तो जो समुद्र की सतह का सबसे ऊपर का पानी है, ओशन सरफेस का जो वाटर है, उस पानी को अपने साथ तरंगें देखी आपने, वेव्स, वेव्स की फॉर्म में बहा के लेके जाएगी, नहीं जाएगी, तो बहा के लेके जाएगी, तो ट्रेड विंड्स या वेस्टर्नली विंड्स, ये दोनों की दोनों किस में किसको इन्फ्लुएंस करती हैं, ओशनिक करेंट्स को। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, तभी आप देखिए जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये जो चल रही है ओशन करंट, यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू हो गई, ये जोन कौन सा है, एंटी सेलेंट ट्रेड विंड चल रही है यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ ये किसका जोन आ गया, वेस्टर्ली का। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली विंड्स ऐसे नीचे भी चलेंगी, तो प्लेनेटरी विंड्स भी रोल प्ले करती है किसमें, ओशनिक करंट के मूवमेंट में, समुद्री जल धाराओं के प्रभामान होने में भूमंडलीय पवनों का अहम योगदान होता है। समझ आई बात, कोई डाउट किसी को? मैडम वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे कोस्ट भी तो है, मैंने एक कोविद का तट का स्वरूप, इन सारे फैक्टर्स को फिर कंबाइन करें। ठीक है, उनका ये बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ, ट्रेड विंड ये पहले पढ़ चुके हैं हम, देखिए फिर से बतानी पड़ेगी। पूरी प्लैनेट पर, हमारे ग्लोब पर, पूरे प्लैनेट पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल विंड्स चल रही हैं। ठीक है, 12 महीने चलती है, हमेशा चलती रहती है, दिन और रात चलती हैं, उन विंड्स को बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स, नाम नहीं समझ में आ रहा, प्लैनेट पर चलने वाली विंड्स। तो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं कितने तरीके की, 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी 3 तरीके की होती है, केवल
ट्रेड विंड वैभव कहाँ से कहाँ चलती है? ये जो जोन है पहला, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ऐसे नीचे भी होगा। कौन सा जोन होगा? ट्रॉपिकल जोन। इस जोन पे चलेगी आपके ट्रेड विंड्स, यहाँ से यहाँ। ये सब पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो जोन है, इस जोन में क्या चलेगी? वेस्ट चलेगी, दूसरी ट्रेड विंड चलेगी। ये तीसरा वाला जोन है, इसमें क्या चलेगी? पोलर ईस्ट चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ चलेगी कौन सी? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन है, हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवन है। नीचे ये कौन सी चल रही है? पछुआ पवन है, वेस्टर्न ईस्ट। डायरेक्शन चेंज, सबके पीछे रीजन है, सब पड़ा हुआ है। अब आपको नए बैच में बैठना होगा, ठीक है। इसको कम से कम दो दिन में समझाया होगा मेरे ख्याल से मैंने। दो दिन का चैप्टर है ये, पूरा चैप्टर रिलेटेड है, ठीक है। अभी आप बस देखो जो आपको आगे समझ में आ रहा है, ये सब रिलेटेड है पुराना, ठीक है। उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम होगा, अभी इनका खत्म हो रहा है सिलेबस, उसे बता दीजिए और दोबारा से बताया जा रहा है। तो देखिए, प्लेनेटरी इवेंट्स का रोल प्ले करती हैं अपना किसमें? ओशनिक करंट के मूवमेंट में। ये बात समझ में आ गई आपको? और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अर्थ रोटेशन। अब ये जो विंड्स हैं ऐसे यहाँ पे साउथ में भी चलेगी, इस तरीके से करंट चलेगी, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट और ये साउथ अटलांटिक की करंट मूवमेंट देख रहे हो आप, ये क्लॉकवाइज चल रही है। यहाँ पे कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मूवमेंट कराने में किसका रोल होता है? अर्थ के रोटेशन का, जिसकी वजह से कौन सा फोर्स डेवलप होता है? तो कोरियोलिस फोर्स इनके मूवमेंट करवाता है। आप ही लोग आंसर दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पुराना सब रिवीजन हो रहा होगा आपका, कि पुराने चैप्टर से रिटर्न मिलते हैं। लास्ट क्या है? शेप ऑफ द स्ट्रट का स्वरूप, ये समझ लेना जरा। ये थोड़ा नई चीज आई है आपके में, और एक सैलिनिटी वाली बात नई आई। तट के स्वरूप में क्या चीज है देखिए, जैसे ये 0 degree लाइन पास हो रही है, आपको इक्वेटोरियल करंट आ रही है, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट ये जो बाहर को निकला हुआ है ना, ये ब्राजील का कोस्ट, इससे टकराने के बाद एक ब्रांच नीचे चली जाती है और एक ब्रांच ऊपर चली जाती है। ये ब्रांच का जो बाइफर्केशन हुआ है, पानी आपने फेंका, अब बीच में मान लीजिए अगर जैसे मैं एक बाल्टी पानी फेंकूं तो आधी पोडियम किधर जाएगी? आधी पोडियम किधर जाएगी? या कुछ परसेंट इधर चला जाएगा, कुछ परसेंट इधर चला जाएगा। वो बाइफर्केशन किसकी वजह से हुआ? पोडियम की वजह से। तो ऐसे ही यहाँ पे जो कोस्ट का शेप होता है वो बाइफर्केट कर देता है ओशनिक करंट को, कुछ को नॉर्थ डायरेक्शन में भेजते हैं और कुछ को साउथ। तो दिस ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट। बात समझ में आई हमें? अब यहाँ घूमने के बाद ये इससे फ्लोरिडा ही है, ठीक है, फ्लोरिडा से टकरा जाती है तो आधी ऊपर चली जाती है, कुछ अंदर चली जाती है। तो ये किसने करा? कोस्ट के शेप से, ठीक है। तो जो तट है उस तट का भी स्वरूप जो है इसमें निर्धारित करता है कि जलधाराओं का, जलधाराओं की दिशा कैसी होगी। समझ में आई बात वैभव चौधरी जी? नेक्स्ट अब आ जाइए लास्ट फैक्टर जो आपकी बता वो है सैलिनिटी। इसको थोड़ा सा समझना है, बाकी अभी तक आपके सब कुछ आसान था। अब आइए सैलिनिटी पर, ये आपका आंसर दे रहा हूँ मैं, और ये आपका आंसर नहीं, ये CDS में भी आएगा, क्योंकि CDS में UPSC ऐसे ही पूछती है क्वेश्चन, या CAPF, क्योंकि वो भी UPSC कंडक्ट कराता है। UPSC को इसमें मतलब नहीं है फालतू की बातों से, समझ रहे आप, कि कितने बंदर होते हैं वहाँ पर, ये सब मतलब नहीं है उसे, केवल मतलब मैं तो स्पीड भी बता रहा हूँ आपको, स्पीड भी नहीं पूछेगी वो, तो मैंने लिखवा दिया ऐसे ही 15 से। UPSC को मतलब है कि आपने कितनी गहराई से पढ़ाई करी है, ठीक है। अब लास्ट फैक्टर है सैलिनिटी। सैलिनिटी हिंदी मतलब लवणता। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, लवणता क्या चीज़ होती है। ये बात आपको पता है, तीन तरीके के वाटर होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर, हमारी अर्थ की सरफेस पर वाटर अवेलेबिलिटी जो भी है वो तीन तरीके में है, तीन रूपों में है। या तो स्वच्छ जल होगा, फ्रेश वाटर होगा, मीठा पानी जो हम लोग पीते हैं, जो नदियों में मिलता है, जो ग्लेशियर्स में होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर में है वो कैसा है? फ्रेश वाटर। दूसरा वाटर होता है खारा पानी,
और तीसरा होता है लवणीय पानी, इसे बोलते हैं लवणीय, ठीक है, इसे बोलते हैं खारा पानी यानी सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब मैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन पर अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको केवल लिखवा रहा हूँ, काम नहीं आएगी आपके कहीं, लिखना चाहे लिख लीजिए। फ्रेश वाटर उसे बोलते हैं जिसमें 5 parts per million सॉल्ट हो, एक फ्रेश वाटर। सलाइन वाटर उसे बोलते हैं जिसमें लगभग 35 parts per million सलाइन वाटर हो, मतलब सैलिनिटी हो, सॉल्ट हो। और खारा पानी से बोलते हैं जिसमें 35% parts per million से ज़्यादा हो सॉल्ट, सॉल्ट सलाइन में 35 parts per million। ये जो सिंबल बनाया है मैंने पार्ट्स पर मिलियन का है, पार्ट्स पर थाउजेंड कह सकते हैं आप इसे। अब इसका मतलब क्या है, 1000 ग्राम पानी में कितना सॉल्ट मिला हुआ है, तो 35 लिखा रहे हैं आप, 1000 ग्राम पानी में 35% क्या है सॉल्ट। ये टेक्निकल है, वैसे आपके काम नहीं है, सिविल सर्विस का बैठा था तो फिर मैं और जाता इसमें समझाने के लिए, ठीक है। ये सिंबल याद रखना, उस पार्ट्स पर थाउजेंड का 1000 ग्राम में कितना, तो तीन तरीके का पानी हो गया। मतलब एक बात ये कि वो 5% तक है या सिर्फ वो टोटल एग्जैक्ट 5 है, 5% तक, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, मैक्सिमम 5% तक जिसमें सॉल्ट मिलेंगे वो क्या कहलाएगा आपके फ्रेश वाटर, ठीक है। ऐसे वो भी वो 5 से 5 ऐसे, हाँ लगभग 5, ठीक है। मतलब ये रेंज बताइए उसका। अब एक चीज समझिए, समुद्र का पानी 97% है, जो भी हमारे पास अर्थ पे हमारी जितना भी पानी अवेलेबल है वो उसमें से 97% किस चीज़ का पानी है, समुद्री पानी है, यानी खारा पानी है। खारा पानी आप उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिले हुए हैं, सॉल्ट मिले, सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, या तो सोडियम क्लोराइड मिला होगा, या मैग्नीशियम क्लोराइड मिला होगा, या सोडियम सल्फेट मिला होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट मिला होगा, या पोटेशियम सल्फेट मिला होगा, इस तरीके से सॉल्ट्स मिले हुए हैं। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखवाया कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है सबसे ज़्यादा किस में, समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, NaCl। नमक खाती हैं आप, सब्जी में डालती हैं नमक, खुद बना लेती हैं, बनाने आता है कोई खाना, आता है बनाने, तो वो नमक मांगता होगा आपसे, कहता होगा मैडम नमक दे दो, जब नमक डालें सब्जी में, तो नमक कहाँ से आया, आया कहाँ, समुद्र से बनाया। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर सोडियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, ये फैक्चुअल बातें हैं, लिख लीजिए आप, काम भी आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये UPSC इस बात को पूछेगा। लेकिन मैं सैलिनिटी पर जाना चाह रहा हूँ, उसके लिए पहले मुझे ये समझाने पड़ेंगे। तो ये सारे सॉल्ट्स मिले हुए हैं किसमें, समुद्र के पानी में, इसलिए कैसा पानी है। तो 1000 ग्राम पानी अगर हम ले लें समुद्र का, तो उसमें 35% तक ये मिले होंगे। नदी का, गंगा नदी का पानी लेके देख लो, तो उसमें 5% के अंदर ही होगा, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, फ्रेश वाटर। ऐसा नहीं कि सॉल्ट नहीं होता, तो उसमें भी वाटर में सॉल्ट होते हैं, आरओ देखा, आरओ खींच लेता सारा, एब्जॉर्ब कर लेता रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अब ये हो गए आपके सॉल्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ समझना इस बात को कि किसी पानी में, इसका मतलब ये हमने अटलांटिक ओशन का एग्जांपल लिया था, अब इस पे आ गए अपने टॉपिक पर। अटलांटिक ओशन महासागर है, तो इसमें भी पानी होगा भरा हुआ, सर 2 मिनट, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 2 मिनट का बताओ सर। ये ओशन वाटर है, ओशन वाटर है, ओशन वाटर है, तो इसमें भी पानी क्या मिले होंगे, सॉल्ट मिले होंगे। अब उसी एग्जांपल पे जाइए, एक्स पॉइंट वाला और वाई पॉइंट वाला। एक्स पॉइंट में आपके टेम्परेचर कैसा लिया था, अपने एग्जांपल में ज्यादा लिया था, वाई पॉइंट पे टेम्परेचर कैसा लिया था, कम लिया था, तापमान कम था। किसी सतह समुद्र में, समुद्र के पानी में, अब सॉल्ट इसमें भी है, सॉल्ट इसमें भी है, जब तापमान यहाँ ज्यादा है तो पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और समुद्र में क्या क्या रह जाएगा, सॉल्ट ही तो रह जाएगा। तो सैलिनिटी इस पॉइंट की ज्यादा होगी कि कम होगी, तो टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होता है उस पानी की सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। आकांक्षा समझ में आई है, यहां पर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कम है,
धूप कम आ रही है तो एवेपोरेशन कम होगा, एवेपोरेशन कम होगा तो पानी के साथ साथ सॉल्ट भी होंगे, इसका मतलब सैलिनिटी यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कम। समझ आई बात ये? ठीक है, अब पानी देख लीजिए कहाँ से काम कर रहा है, हायर सैलिनिटी से लोअर सैलिनिटी। ठीक, अब देखिए एक और एग्जांपल, एक और इसके पीछे सैलिनिटी भी डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पर। सैलिनिटी के फैक्टर्स क्या क्या डिपेंडिंग, पहला तो टेम्परेचर बता दिया मैंने आपको, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, एवेपोरेशन ज़्यादा है तो उस जगह पर खारा पानी ज़्यादा होगा क्योंकि समुद्र में क्या क्या रह जाए, केवल वही रह जाएगा। नमक बनते हुए देखा कभी आपने? नहीं देखा यार। देखो समुद्र जब लहरें लेके आती है ना उस पानी को रोक देते हैं, चारों तरफ बाढ़ बना देते हैं, रोक देते हैं, पानी रोक दिया दो दिन तक तीन दिन तक पड़ा रहने देते हैं, धूप आ रही है भाप बन के पानी उड़ता रहता है, समुद्र में नमक रह जाता है केवल, कुछ नहीं है। नमक बनाने में सिंपलेस्ट प्रोसेस है, आप एक काम करना गूगल पे आज सर्च करके देखना, यूट्यूब पे डालना हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म नियर द कोस्ट, नेचुरली समुद्र के आप जो लहर से पानी आया उस पानी को रोक देते हैं, बाढ़ बना दी बस, पानी रुका रहने दिया, पानी भरा हुआ है, धूप आ रही है, धूप से पानी क्या है भाप बन के उड़ रहा है, नमक नमक रह जाता है सफ़ेद सफ़ेद, उसमें उसी को रिफाइंड करके भेज देते हैं वो लोग हम लोग। समझ में आ रही है बात? तो देखिए सैलिनिटी पहले डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर। सैलिनिटी और भी डिपेंड करती है एक बात पर, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर नदियों का मुंह जहां पर होगा, नदियों का मुहाना, नदी क्या ला रही है? स्वच्छ पानी, मीठा पानी ला रही है, अब वो अपने पानी को कहां मिला रही है? समुद्र में। तो मीठा पानी जब मिलेगा खारे पानी में तो उस जगह की सैलिनिटी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। ठीक है, इसीलिए देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के रिस्पेक्ट में, अब मैं इंडिया पढ़ा चुका हूँ आपको, बे ऑफ बंगाल में कितनी नदियां गिर रही थी? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सब बड़ी नदियां कहाँ गिर रही थी? बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में छोटी नदियां थी या नहीं भी थी? तो सैलिनिटी किसकी ज्यादा होगी? अरेबियन सी। यह आपने अपने आप आंसर दिया है एक लॉजिकल, क्योंकि नदी का मतलब स्वच्छ जल की आपूर्ति जहां पर होगी, फ्रेश वाटर की जहां पर उपलब्धता ज्यादा होगी वो पानी कैसा होगा? कम खारा होगा। ठीक है, पोल्स पर आ जाइए, पोल्स जहां पर बर्फ पिघलती है, बर्फ में क्या है? प्योर वाटर है, मीठा पानी है, तो बर्फ पिघल रही तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब सैलिनिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। समझ में आ गई? तो सैलिनिटी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड टेम्परेचर। अब देखिए मैंने आपको ये केवल अभी फैक्टर्स पढ़ाए, चैप्टर शुरुआत भी नहीं हो पाई, टाइम तब तक कंज्यूम हो गया, दूसरी क्लास भी आती, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो मैंने आपको आज इतना पढ़ाया है ये समझ लीजिए कोर पार्ट है, दीज आर योर फाउंडेशन, इस फाउंडेशन को आप सही से करके आइए, कल मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा कि ये ओशन करंट चल रही है तब आपको एक एक बात रिलेट होनी, हाँ यार ये बात तो सही है कि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा था, वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा था, सैलिनिटी यहाँ ज़्यादा है, या यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट हो रहा है इसलिए, या यहाँ पर कोस्ट ऐसा है इसलिए उमड़ रही हैं, तो कल सारी बातें इनमें यूज़ करूँगा तब आपको मैं आगे कराऊँगा। ठीक है, तो अभी 30% 40% ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अब मेन पार्ट हमारा बचता है कौन सा? अब ओशनिक करंट पढ़ानी है पूरे वर्ल्ड की, जिसमें हम अटलांटिक ओशन भी पढ़ेंगे, पैसिफिक ओशन पढ़ेंगे और इंडियन ओशन, तीन ओशन भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा आपको अटलांटिक ओशन की करनी ही करनी है, क्योंकि एग्जाम में 10 में से अगर क्वेश्चन आया है तो 10 में से 8 बार इसी से क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि सबसे टिपिकल भी यही है, इसको समझ गए तो बाकी सब बच्चे हैं। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया, कल को कोई टेस्ट नहीं है आपका, पूरा बंद हो गया है और आप इनसे बात कर सकते हैं टेस्ट के बाद। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर।